बीजेपी के 15 से ज्यादा नेताओं हुए कांग्रेस में शामिल, टूट गई भाजपा की सरकार। बता दें कि भाजपा और जेडीएस के 15 से अधिक प्रमुख नेता और पूर्व पार्षद उप मुख्यमंत्री डीके सुकुमार की मौजूदगी में बेंगलुरु में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां समारोह यहां पार्टी कार्यालय के भारत जोड़ो सभागार में आयोजित किया गया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख नेता में पूर्व उप महापौर एल श्रीनिवास प्रसाद बाबू और पूर्व तालुक पंचायत सदस्य अंजी नप्पा थे। शिव कुमार ने उन्हें कांग्रेस के झंडे दिए और पार्टी में उनका स्वागत किया। बेंगलुरु में यशवंतपुर और आरआर नगर निर्वाचक क्षेत्रों से भाजपा और जेडीएस नेता को शामिल करने के बाद कांग्रेस द्वारा किया गया यह तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें 33 साल तक बीजेपी के लिए काम किया। शिव कुमार ने कहा कि 15 श्रेणी में जिस तरीके से आगे निर्वाचक क्षेत्र में भाजपा और जेडीएस नेता जिन्होंने बेंगलुरु और नगर निगम में सत्ता हासिल करने के पीछे एक बड़ी ताकत है और वो ताकत के रूप में काम किया। अब कांग्रेस के साथ भाजपा नेता ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अब वे हमारे दस्तावेज खटखटा रहे हैं, बजा रहे हैं कि उन्होंने खुलेआम कहा है कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। वह आगामी वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में उन्होंने चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि शिव कुमार ने अलकमान को कर्नाटक में 20 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का आश्वासन दिया था। वह बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज्यादा विधायकों से बात कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस को आगे बढ़ने में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।